नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज आर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगाटी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज चार ऑप्शन दिए हुए हैं पहल टू द पोजिशन वैक्टर परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वैक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजन नाउ इस सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे बड़ा ही सिंपल सवाल है अपने को पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए कॉस ओमेगाटी आई कैप प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप इसके अगर हम x और y के दो अलग अलग कंपोनेंट्स लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी नाउ Uh, ये अपनी इक्वेशन नंबर वन है ये इक्वेशन नंबर टू है अगर इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे हम जो करना चाह रहे हैं इससे हम करना चाह रहे हैं समथिंग कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ प्रेजेक्ट्री हम लिखते हैं जिसमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है टी की हम दे देते हैं सुपारी टी को हम एलिमिनेट कर देते हैं ना कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा दिख जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर राइट हैंड साइड पर बन जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा को स्क्वायर ओमेगा ओमेगाटी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो अपनी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर नाउ दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस ए है है तो अगर आपका कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस ए है उसके बारे में हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है आपका रेडियस ए है ये आपकी जो वेलोसिटी होएगी वेलोसिटी हमेशा आपका आ, आर वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर होएगी सो नाउ बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वैक्टर इज़ द करेक्ट आंसर